दोस्तों कैसे हो आप लोग? अच्छे हो गए शायद। तो इस वीडियो में आज मैं बताने वाला है आपको, अगर व्हाट्सएप में कोई भी बैंड कर दिया आपको व्हाट्सएप, तो इसको अनबैंड आप कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप में डिस्टर्ब कर रहा है, ज़्यादा SMS कर रहा है, तो उसको बैंड करना चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। इस वीडियो में दो तरीका मैं बताऊँगा, दो तरीके से आप अनबैंड किसी को अनबैंड कर सकते हैं, और आप भी किसी को बैंड करना चाहिए वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसको SMS करना चाहिए और बैंड करना चाहता है वो भी अनबैंड कर सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, नहीं तो आपको समझ नहीं पाएगा, बाद में कमेंट करके बताएगा क्या अच्छा तरीका नहीं बताया, सही तरीका नहीं बताया। तो वीडियो लास्ट देखने के बाद में मुझे बताइए कमेंट करके अच्छी लगा है कि नहीं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं देखा था वीडियो, ज़्यादा पसंद भी नहीं करता है वीडियो में, इसीलिए ज़्यादा पसंद करना आदमी अच्छा से नहीं बताता है, किधर किधर दबा के चला जाता है, आप लोग देख के समझ नहीं पाएगा, और एक बाद में दूसरी दूसरी वीडियो देखने का ज़रूरत पड़ता है। तो मेरा वीडियो देखने के बाद में मैं कोशिश कर रहा हूँ दूसरी भी कोई भी आदमी का वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ से ही चालू कर रहा हूँ वीडियो। आप आपको अगर कोई ब्लॉक कर दिया या आपको अनब्लॉक होना है, आप अगर आपको कोई आदमी ब्लॉक कर दिया या आप अनब्लॉक होना चाहता है, या आप किसी आदमी आपको डिस्टर्ब कर रहा है आप उसको ब्लॉक करना चाहिए, तो दोनों तरीका आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप चला जाइए आपका व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप में जाने के बाद में आप कौन सा नंबर को ब्लॉक करना है ये देख लीजिए, और अनब्लॉक करने का, आपको कोई भी ब्लॉक कर दिया तो अनब्लॉक होना है ये मैं बताऊंगा बाद में। सबसे पहले ये देख लीजिए, किसी को कोई आदमी आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको आप ब्लॉक करना चाहिए। तो अब जो आदमी डिस्टर्ब कर रहा है उसका व्हाट्सएप पर जाइए, जाने के बाद में आप ऊपर में 3 डॉट उसमें क्लिक कर दीजिए। उसमें क्लिक करने के बाद में सबसे नीचे वाला ऑप्शन में क्लिक करिए, करने के बाद में ये सेकंड वाला ऑप्शन आएगा, उसमें ब्लॉक है, उसमें दबाएगा, दबाने के बाद में आप ब्लॉक कर देगा तो ऊपर में, तो आपका ब्लॉक हो गया है और आपको कुछ भी नहीं भेज सकता है वो आदमी, आपको डिस्टर्ब भी नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको कोई भी ब्लॉक कर दिया और आप अनब्लॉक करना चाहिए, तो सबसे पहले ऊपर में 3 डॉट देखिए, उसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में पूरा नीचे में उसमें क्लिक कर दीजिए, बाद में की वाला ऑप्शन में वो चाबी का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर दीजिए। उसमें क्लिक करने के बाद में देखिए डिलीट, नीचे में डिलीट है पूरा नीचे, ये डिलीट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे में देखिए आपके नंबर डाल दीजिए, आपका कौन सा नंबर में ये अभी जो व्हाट्सएप चल रही है, तो मैं नंबर डाल देता हूँ, तो मैं नंबर डाल दिया। डालने के बाद में नीचे जो डिलीट दिख रहा है उसमें एक बार क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आप ऊपर में देखिए क्यों डिलीट करेगा बोल के एक ऑप्शन है, तो आप उसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आप क्यों आपको रिजाइन होना चाहिए ये बता रहे, तो आप वहाँ पर दीजिए मेरा व्हाट्सएप में प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए मैं रिजाइन करना चाहता हूँ बोल के ये डाल दीजिए, ये ऑप्शन को क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में आप डिलीट पर क्लिक कीजिए। डिलीट पर मरने के बाद में दोबारा कंफर्म डिलीट करिए। कंफर्म करने के बाद में आपका प्रोफाइल डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट होने के बाद में देखिए आप नया व्हाट्सएप जैसे होता है ऐसे हो गया। फिर आप उसी नंबर में यहाँ पे उसी नंबर डालिए, आप जिस नंबर में व्हाट्सएप डिलीट कर दिया उसी नंबर में फिर से डालिए, और फिर से आप नया व्हाट्सएप बनाइए। कोई भी आपको ब्लॉक कर दिया है ये ब्लॉक भी अनब्लॉक हो जाएगा, और आप भी किसी को ब्लॉक किया तो अनब्लॉक हो जाएगा, फिर से आप ब्लॉक कर लेना, सभी न्यू हो जाता है। तो देखिए मैं आपके सामने ओपन करके देख रहा हूँ, फिर से OTP आ रहा है। OTP आने के बाद में OTP यहाँ पे डाल देगा तो बस व्हाट्सएप फिर से ओपन हो जाएगा। 881 881 OTP कहाँ चला गया है, 949 949। OTP लेने के लिए 2 से 3 मिनट रुकना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा इंटरफेस आएगा, ऐसा आएगा तो आप दोबारा नंबर डाल के दोबारा OTP को लेकर ट्राई करिए, आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। तो देखिए मैं व्हाट्सएप को पूरा अभी पहले से ओपन कर रहा हूँ, अभी मेरा पूरा व्हाट्सएप ओपन हो गया है, और होने के बाद में देखिए आप पूरा न्यू जैसा हो जाएगा। अभी उधर में मेरा नंबर नहीं है, अभी उधर से किसी को क्या भी भेजेगा तो वो आएगा। देखिए ऐसे कोई भी व्हाट्सएप में आप क्या भी भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं, ठीक है। अभी आपको व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, कुछ भी टेंशन मत लीजिए, बराबर ऐसी रियल टिक्स से और भी टिक्स जानने चाहिए तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली न्यू तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपली अच्छी तरीके से मैं बताता है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा।